एक ना पाणे कड लए, एक ना माया विच निवास, एव भे आख ना जापई, जे किसे आणे रास। एक ना पाणे कड लए, एक ना माया विच निवास, एव भे आख जापई, जे किसे आणे रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे परगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान गुरु रूप साध संगत जीओ, आप जी ने गुरु अंगद देव जी दे पावन पवित्र बचना विचों जो के एक श्लोक उदियां दो पंक्तियां अज आपां विचारनियां हन। सतगुरां ने इस पावन पवित्र बचन विच कृपा कीती है कि जगत दी जो खेड है ए एक संसार उसने आप अपने रहन वास्ते बनाया है, इहदे अंदर आप ही निवास रखता है, समाया होया है। जिवें कि एक फुल दे अंदर सुगंधी है तां फुल और सुगंधी दो चीज़ां ने, ते तीसरी चीज है उस फुल दी जड़ी जड़ है। जिन्ना चिर
वह जड़ बनी रहेगी, फुल खिड़िया रहेगा। तो जिन्ना चिर फुल खिड़िया उहदे विचों सुगंधी आउंदी रहेगी। इस तरह अकाल पुरख ने इस धरती दे उत्ते बहुत सारे शरीर पैदा किते हन, और सारे शरीरां दे अंदर जिवें फुल विच सुगंधी है इस तरह समाया होया है। जदों किसी बंदे दी जिवें नासका खुल जाए तो उसनू उस सुगंधी की खबर मिलनी शुरू हो जाती है। जे नक ठीक नहीं तो फुल भी खिड़िया होवे सुगंधी नहीं आती। कई बारी बंदे की सूंघन शक्ति कमजोर पै जाती, वो फुलां कोलों निकलता है उहनू उहदे विच्चों कोई सुगंधी नहीं आती। बिल्कुल इस तरह है कि इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच गुरबाणी का एक एक शब्द फुलां वांग खिड़िया होया है। सुगंधी भी उहदे विच है, पर जे साडा सुंघण का जिहड़ा सिस्टम है कम ना करे तो फुल साडा कुछ नहीं सवार सकता। असी कहांगे कोई सुगंधी नहीं। इस करके फुल दे संसार दे अंदर उहदी सुगंधी आ रही है सारिया शरीरां विचों। सब में जोत जोत है सोए, पर सानू उह तां नहीं सुगंधी आउंदी कि साडी मन दी जिहड़ी स्थिति है, साडी जिंदगी दा जिहड़ा जिउण दा तरीका है, सीधे लफ्जां विच कहां जिहड़े ढंग नाल असी जी रहे हाँ वह गलत होण करके, वह रोगी होण करके सानू इस दिसदे हुए संसार विचों उहदी कोई खबर नहीं मिलदी, उहदा कोई पता नहीं लगदा। सतगुरु ने ते बचन भी किते कि वह तां बड़ा सियाणा है और मां बाप वांगू संसार नू प्यार भी करदा है, पर उहदे नेड़े जाण वास्ते एक धोते हुए दिल की लोड़ पैंदी, नहीं तो बंदा उहदे नाल संबंध नहीं जोड़ सकता। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने एक बचन किया, वह कहिंदे मीरा दाना दिल सोच मुहब्बते मन तन बसै मेरे शाह बंदी मोच। बड़े प्यारे शब्द ने। बंदी मोच का अर्थ है कि बंधना नूं तोड़न वाला, खोल देन वाला रस्सियां। जिंदगी विच जिन्ने दुखां दियां रस्सियां सानू बज्जियां हुई सारे दुख ही ने, ते बंदा तकरीबन दुखां नाल फिर समझौता कर लैंदा भी इह तां इसे तरह रहने ने। कह भी दिता बहुते धर्मां ने संसार कहिंदे दुखां दा ही घर है, इन्हां नाल मित्रता पाओ, इत्थे जे रहना है तां कहिंदे ने दुखी रहना सिखो। किवें दुखी होईदा है? दुख इत्थे सिखाया जांदा है, दुख इत्थे हंडाया जांदा है, ते हंडाउण दी जाच दसी जांदी, पर इस तरह है नहीं। असल विच रब ने संसार नूं दुखी होण वास्ते बनाया ही नहीं सी। ये अगों जा के हुण किसी चीज़ की वरतों गलत कर लै बंदा, ये उहदा वेखो अपना तरीका है जिंदगी का। दूर ना जाइए, बंदे दे मूँह दे विच बत्ती दंद ने, बड़े सुखदाई ने भोजन, ये सारे शरीर का बेस ने, ये चबाउंदे ने भोजन नूं तां अंदर जा के हजम हुंदा है। ते जे किते इन्हां दी वरतों बेध्यानी हो जाए ते विच वाली जिहड़ी जीभ है किते इन्हां दे थले आ जाए, इन्हां दंदां दे विच पीसी जाए, तां कई कई दिन उस जीभ दा जख्म छाला बन के बंदे नूं दुखी करदा है। गलत नहीं सी बनाए दंद,
पर गलती किथे हो गई, किते विचों ध्यान निकल गया, किते ये एक्सीडेंट हो गया मूंह दे अंदर, तां जीभ फटी गई, उन्हूं जख्म हो गया, कई दिन दुख दी रही। सच है संसार विच किते भी दुख नहीं, दुख सिर्फ ये है बंदा जदों किते बेध्यान हो जाता है, सौ जाता है, जदों उहदी सुरत किते विचों जीवन विचों निकल जाती है, बेहोश हो जाता है, तां अपने आप फिर एक्सीडेंट हुंदे ने। संसार विच दुख नहीं सी बनाया रब ने, पर सतगुरु कहिंदे ने कि इहदी इत्थों संसार दी रवायत ही ऐसी बन गई है कि इहदी आरंभता ही रोण तों शुरू हुंदी, जन्म ही इहदा इत्थों आरंभ हो जांदा है। इस करके जिहड़ी बेनती सांझी कर रहा सी कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे ने बंदे दे मन ते जिउण दा तरीका इस तरह दा है कि उहनूं ठीक ठीक जो कुछ इत्थे संसार दे विच समाया होया है वह इस तरह नज़र नहीं आउण लगा। भगत नामदेव जी का एक शब्द सांझा करां, कहिंदे ने उहनां नूं किसी ने पुछया सी जदों नामदेव जी पूरे ब्रह्म ज्ञान विच निपुण हो गए तां जग्यासुआ ने पुछया, त्रिलोचन जी उन्हां दे मित्र सन, कबीर साहब कहिंदे ने नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम सुमार, उन्हां नूं मिलदे रहिंदे, तां उन्हां ने पुछया कि तुहाडी जिंदगी दी जिहड़ी ए छन है ये किन्ने बनाई है, किहड़ा मिस्त्री, कौन है बनाउण वाला। ते जदों पुछया ते नामदेव जी ने कहा दूर नहीं, तेरे विच भी रहिंदा ते मेरे विच भी है। जदों ये सवाल किया ना, वैसे तुसी ये साखी सुनते रहिंदे होगे कि नामदेव दी जिहड़ी छपरी सी वो रब ने बनाई सी बाहरी तौर ते रहण वाली है, ते उदाहरण सी। धर्म दे अंदर कुछ उदाहरणां हुंदियां ने पर उहनां नूं समझाउणा पैंदा फिर बाहरली बोली विच पा के। असल विच गल की सी, भगत नामदेव जी का अपना जीवन इन्ना उच्चा हो गया कि उन्होंने वेख के किसी ने पूछ लिया से भी तुसा अपना जीवन कितों बनवाया, कौन है मिस्त्री बनाने वाला। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा कह पहचान छवाई हो, किदे तो तुसी अपनी जिंदगी की छन बनवाई है। तौ पै दुगनी मजूरी दह हो मोको बेडी देहो बताई हो, बेडी का मतलब है कि जिहड़ा मिस्त्री राज तुहाडा ए तुहाडी छन बना के गया उहदी मैनूं खबर दिओ किथे रहिंदा है, मैं दुगने पैसे दे के अपना जीवन बनवाउणा चाहुंना, अपनी छन बनवाउणी चाहुंना। ते भगत नामदेव जी ने अगों एक शब्द कहा रहाओ दी तुक विच, उह कहिंदे देख बेडी रहो समाई, इहदे अर्थ ने भी जिथे तूं खड़ा है अख खोल के वेख ते इत्थे ही वह तेनू दिस पाएगा। गल अख खुलण दी है, गल किते जाण दी नहीं। कोई बंदा सारी धरती नू दा सफर कर लै रब दे दिसण दे कोई आसार नहीं, पर जे बंदा अख खोल लै ते एक कदम भी अगे जाण दी लोड़ नहीं, फिर उत्थे सब कुछ है। गल अख खुलण ते खड़ी है, जिहड़े ते बंदे ने अख खोल के वेख लई उहनू ते इत्थे दिस पिया, जिन्हें अख नहीं खोली उहनू सारी धरती ते नज़र नहीं आ सकदा। इस करके हाँ जे किते जाण दे नाल बंदे दी अख खुलदी होवे ते जाण विच पाप नहीं, गुरेज नहीं है। जे किसे थां ते जाण नाल बंदे दे अंदर दी अख खुले फिर ते जाणा चाहीदा है, पर जांदे भी रहे आउंदे भी रहे अख ते बंद ही रही, खुली ते है ही नहीं, तां फिर उस जाण दा कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा जिन्हें पुछया सी किथे रहिंदा है, कहिंदे हुण तैनूं की एड्रैस दिया, देख, देख दे उत्ते विश्राम है, उहदा मतलब है कि इत्थे ही वेख, होर ना किते वेखी, जिथे तू खड़ा है इत्थे ही वेख लै, चंगी तरह अख भर के महसूस कर, अभ्यास कर, वेखण दा यतन कर। देख बेडी रहो समाई, आ तेरे सामने सारिआं विच समाया होया है,
जिवें एक फुल दे अंदर सुगंध है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे काहे रे बन खोजन जाई, तू तां उन्हां थावां तों लभदा फिरना जिथे वह है ही नहीं। बंदे की आदत है जिन्हों ना ना लभना होवे उन्हों उत्थे लभो जिथे वह रहिंदा नहीं। ये बंदे की आदत है। किसी बड़े बड़े मुजरम नूं किते फड़ना होवे ते वह होवे बड़ा जबरदस्त बड़ा ताकतवर ते फड़न वालियां नूं पता हुंदा भी किथे रहिंदा है, पर उस घर नूं छड्ड जांदे ने, होर किते उह लभदे रहिंदे, फिर आके खबर दे देंदे उत्थे नहीं मिलिया, ते मिलना की उत्थे है ही नहीं। सच ये है असी जिहड़ियां थावां तुहानूं लभ रहे उत्थे उह रहिंदा ही नहीं, जिथे वह रहिंदा है असी उत्थों लभदे नहीं। गल इन्नी कु है, दूर नहीं। गावे को वेख हादरा हदूर कोल ही है, हजूरी विच है, पर गल सिर्फ इन्नी है कि बंदा उन्हों मिलन वास्ते तैयार ही कोई नहीं है, मिलना नहीं चाहता। इस करके लभदा कितों है जिथे वह नहीं मिलता। तो नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा काहे रे कादे वास्ते बन खोजन जाई, इधर जंगलों आदिक विच किधर जा रहा है, क्योंकि वह जिथे रहिंदा है उहदे मैं टिकाने तैनू दस दिया। वह कितने कितने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच वैसे तो चार पांच थावां का नाम लिया गया है भई इथों खोज। मैं वह थोड़े थोड़े हंट तुहाडे नाल सांझे करदे आं, उहदा तुसीं फिर आप विस्तार कर लो। सब तो पहला तो गुरु साहब ने कहा कि जे तू उहनूं बिल्कुल नेड़ों वेखना है तो प्रभ जी बसै साध की रसना, बिल्कुल, क्योंकि यह सब तो सौखा है, होर इन्ना सरल कोई तरीका नहीं उन्हों सुनन दा ते वेखन दा। क्योंकि जे अगे होर ने गल्लां गुरु साहब ने यह भी कहा भी तू सभनी थाई जिथे हो जाई घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार सारे शरीरां विच है, पर यह वेखना बड़ा औखा है। क्योंकि जे सारे शरीरां विचों वेखना शुरू कर दिता ता दो चार दस तो दुश्मन होणगे ना बंदे दे, सारियां विचों ते कही जाएगा इहदे विच भी रब है, इहदे विच भी है, इहदे विच भी है। तां जदों वह अपने दुश्मन के सामने गया उन्हें कहा इहदे विच नहीं, इह बड़ा दुष्ट है, इहदे विच नहीं मैं मन्नांगा, तां उह विधि जिहड़ी उहदे काम नहीं आ सकदी। इस करके एक तरीका है लभ्या है सियाणियां ने अभ्यास करन वास्ते, वह कहिंदे ने जे तू जिंदगी विच धार्मिक तौर ते सफल होना चाहुंदा है ते उहनां लोकां नूं प्रेम कर जिहड़े तैनूं सब तो ज़्यादा दुखी करदे ने। इह किवें हो सकेगा? पहली जड़ तो गल शुरू कर दित्ती। जे तू इस मामले दे विच निपुण होना चाहुंदा है ते जल्दी विकास करना चाहुंदा है ते जल्दी पलटा लिआउणा चाहुंदा है, जरूरी नहीं कि उहदे पैरां नूं हत्थ लाउणा, इह नहीं कहा। इह पछम दे कुछ विद्वानां दा इह तजर्बा है, इह नहीं जरूरी भी उहदे अगे तुसीं मत्था रख दिओ जां उसनूं कहो कोई उस्ताद दे शब्द, कोई लोड़ नहीं। एक अंदर भाव करना, उहदे नाल प्यार करना, मन दे विच तरंगा फैलाउणियां ने उहदे प्यार विच। है बड़ा औखा पर इहनूं शुरू करना चाहीदा है, बड़ी कम आउण वाली तरतीब है। और गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वी इहनूं वरतन दा जिक्र किया गया, बाहरों नहीं लोड़ कि उहनूं पैरां नूं हाथ लाउणा है जां कहना भी अज तो मैं तेरा मित्र हाँ, मेरे तेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं, यह सारा पखंड है, यह कुछ भी नहीं। अंदरों एक गल शुरू कर लैनी, जे जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी ने तो इत्थों तक कह दिता कि तेरे शरीर दे भी कई रोग इस तरह खत्म हो जाएंगे, साफ क्या है, कोई फिलासफी नहीं ये विच भी ये मन का रोग है जी, ये पांच विकारां नूं रोग कहिंदे, नहीं, साफ कह दिता है कि तू उस बंदे नाल स्नेह दियां तरंगां अंदरों कढ़णियां शुरू कर दे भी ये मेरा बहुत चंगा मित्र है, पर करी उहदे नाल जिन्हें तैनूं जिंदगी विच सब तो ज़्यादा सताया है उत्थों शुरू करना। मित्रां नाल ते मित्रता पाउणी कोई वड्डी गल नहीं, उह पहले ही चल रही है, वह कोई बहुत औखी नहीं।
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਆ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਰੱਖੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਲੀਕ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਈ, ਲੀਕ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁੱਖ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਨਾ, 5 ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ 2-4-10 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
इस करके विकार जड़े ने एकदम नहीं किसी के मरे, ख्याल रखना। जदों भी ये घटते ने उहदी निशानी की है कि पहला जिथे 12 घंटे गुस्सा रहिंदा सी हुण 11 घंटे रह गया। सतसंगी दे विकास की यह निशानी होर कोई नहीं। असीं कहिंदे आ साणू यह प्राप्त हो गया की निशानी कि जिथे 12 घंटे गुस्सा सी हुण 6 घंटे रह गया। समा घटता जाता है, जिथे दिन रात बाशना सी हुण 2-4 घंटे बच गए, फिर 1 घंटे ते आ गई, फिर अद्धे घंटे ते आ गई, ते जदों ये 10-5 मिनट ते आउंदी उदों बड़ी खतरनाक, उत्थों नहीं कट्टी जांदी, उहनूं बड़ा औखा है। जदों क्योंकि जिहड़े 5 विकार ने ज्यों ज्यों ये इन्हां दा आकार छोटा होवेगा त्यों त्यों इन्हां दी शक्ति वधेगी। ध्यान रखना, जिहड़े 5 विकार ने ना, काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार, जिन्ना चिर ते बंदा इन्हां नूं खुले वरतदा है इन्ने शक्तिशाली कोई नहीं होंदे। ज्यों ज्यों इन्हां दे उत्ते अभ्यास करेगा ते इन्हां नूं घटाएगा, ज्यों ज्यों इन्हां दा आकार छोटा होया इन्हां दी शक्ति बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, उहनूं रोकणा बड़ा मुश्किल है। उत्थे गुरु की जरूरत है, उत्थे संगत की लोड़ है। इस करके धार्मिक दुनिया दे विच मनुख उहदा फैलाव ते घटा देंदा है, पर उहदा केंद्र बिंदू बड़ा जबरदस्त होंदा है, उहदा अंदर उत्थे बणिया रहिंदा है। तां गुरु साहिब ने यह अभ्यास की गल की, कहिंदे गुस्सा मन ना हंडाए। गुस्सा करना तो जरूरी है, तंदुरुस्त दिमाग की एक निशानी है कि जदों किसी का दिमाग सुन हो जाए उहनूं डॉक्टर कहिंदे गुस्सा आउंदा है, जे उह कवे नहीं बीमारी की निशानी। 24 घंटिया में एक दो वारी आना चाहिए तां उह दिमाग जिहड़ा क्रांति आउंदी उहदे विच उहदियां नाड़ां खुल्लियां रहिंदियां, ते आउणा ही बंद हो गया उह ते मर गया, बिल्कुल डैड हो गया। उह थोड़ा जिहा आउंदा उहदे विच, तां उह जे नहीं आउंदा ते गुस्सा आउण दी दवाई देणगे, जे ज़्यादा आउंदा है फिर उह खतरनाक। तां बाबा फरीद जी ने यह बचन कहा, उह कहिंदे ने गुस्से नूं एक है थोड़ा जिहा करना, एक हंडाउणा। तूं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा तेरा सब तो पहला विरोधी उहदे नाल गुस्सा हंडाउणा छड्ड दे। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, इहदे नाल मिलेगा की कम बहुत वड्डा है। ते बाबा जी कहिंदे देही रोग ना लगई, हुण गल मन दी है, रोग देह दे ने, शरीर दे रोग ने, इहदे नाल तेरे शरीर दे रोग खत्म हो जाणगे। सच्चाई है, इहदे नाल शरीर विचों रोगां दीआं जड़ां खत्म होणियां शुरू हो जाणगीआं, क्योंकि जड़ ते सारी मन विचों ही आउंदी है। शरीर विच ते रोग ही कोई नहीं, शरीर विच जिहड़े रोग आउंदे उह आरजी हुंदे ने, पाणी विचों आ गिआ, किते सब्जी खरीदी सी उहदे विच पॉइजन सी उहदे विचों आ गिआ, हवा विचों आ गिआ। आरजी ने एक गोली लवो तां उहदे नाल हट सकदा है, पर जिहड़े रोग नहीं ना जांदे, वार वार बंदे विच प्रगट हुंदे ने, वार वार अंदरों निकलदे, उह उहदे मन दे विच लुके होए ने, किते होए किते पुराने उहदे भाग लड़ी दे विच छुपे होए ने, उहनूं कढ़ना अत जरूरी है। ते जिन्हां ने इह तरीका वरत लिया उहनां नूं देही रोग ना लगई। ते एक होर बड़ी वड्डी गल कह दित्ती, कहिंदे फिर जो तू धार्मिक तौर ते करेगा वह गुआचेगा नहीं, पल्ले विच पै जाएगा। पल्ले सब किछ पाए, पल्ले दा मतलब हुंदा जमा हो जाना। आपां कहिंदे फलाने दे पल्ले कुछ है, कमांदा ते बड़ा है, सवेरे कमाया सी 5,000 कमाया, शराबखाने विच रात नूं गवा के आया, जुआ खेड के आ गया, पल्ले नहीं रहा इहदे कुछ, कमाया है सी। इस तरह पल्ले पैण दी गल तां करदे कि इह पढ़िया सी पाठ, सेवा कीती, दान पुन भी कर लिया, पर ओ कीता होया पल्ले विच रह जाएगा जे बंदे ने अंदरों एक जिहड़ा कम के फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किछ पाए। जिहड़ा तू सवेर तो शाम तक धार्मिक कर्म करेगा, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, सिमरन करना, वह तेरे खाते दे विच जमा होना शुरू हो जाएगा, फिर ये अमीरी वधदी है, फिर ये धन जिहड़ा अंदर होंद बनाउंदा है,
फिर उस धार्मिक बंदे नूं आप नहीं जपना पैंदा, फिर यह धन उहदे होर धन नूं वधाई जांदा है, उहनूं आप नहीं करना पैंदा। उहदे अंदर एक सैल्फ वांगू कम करदा है, जिहड़ा अपने आप तर तर के उहदी जिंदगी दे उपर आउणा शुरू हो जांदा है। तां बेनती सांझी कर रहा सी, सतगुरु ने यह हंडाउण दी गल कीती है, और अज दा बचन जिहड़ा है संसार इन्हां रोगां दे विच फसिया होया है। गुरु साहब ने, गुरु अंगद देव जी ने बचन किते ने, कहिंदे इक ना भाणा कढ लए, कुछ ऐसे लोग ने जिन्हां नूं विचों कढ लैंदा है, इत्थे रहिंदिआं होइआं विचों उन्हां नूं बाहर कढना शुरू कर दिंदा है, जिहड़े आप बांह फड़ाउंदे ने, जिहड़े इहदे विच रहि के निकलना चाहुंदे ने। है तां प्रयोजन इह सी, उहने खेड इह बणाई कि पहला विच रखिया लिया के और फिर कह दिता तू निकल के मेरे तक आ। इनू कहिंदे ने इक खेड तमाशा है कि विच संसार दे पैदा कर दिता ते इथों निकलन वास्ते फिर तरीके दस दिते निकलना किवें है, बाहर किवें आउणा है। पर निकलन वास्ते कोई बहुते लोग राजी नहीं होंदे, क्योंकि ये सब कुछ है ही इन्हां बंदे नूं परमा देण वाला, इतों निकलन वास्ते कोई राजी नहीं। तां जिन्हां नूं उहने कृपा कीती, कुछ लोकां नूं उहने भाणे कढ लए, भाणे द्वारा कढ़िया। इतों जदों भी कोई निकलिया है तो किसी चीज़ द्वारा नहीं निकल सकता। एक ना भाणे कढ लए, जिस मनुख नूं इत्थे रह के भाणे विच जाउण दी जाच आ जाती है, उन्हां दे निकलन दे रस्ते खुल जांदे ने। भाणे दे विच रहण दा अर्थ है कि जिवें दा उन्हां नूं जीवन मिलिया हुंदा है, जिवें दा उन्हां नूं घर बार शरीर परिवार जो कुछ मिलिया है, वह सवेरे उठ के कहेगा तूं बहुत कुछ दिता है, बहुत वधिया। ये उस बंदे दी निशानी है जिहड़ा निकलन दी तैयारी कर रहा है। तो जिहड़ा मनुख दिन रात शिकायत विच जिउंदा है, ये भी ठीक नहीं, यह भी ठीक नहीं मिलिया, शरीर भी ठीक नहीं, शरीर का रंग भी ठीक नहीं, नैन नक्श भी चंगे नहीं, तो वह नहीं कभी इस रस्ते विचों निकल सकता, डुब्बा रहेगा। होर कोई तरीका नहीं, करो जप तप नहीं कम आउणगे, जिन्ना चिर भावना नहीं अंदर बनती। दो चीज़ां हुंदियां ने, जप तप का मतलब है स्पिरिट, अंदर की शक्ति जिहड़ी बंदे नूं धार धर्म के राह ते तुरन की ताकत देंदी है। पर जिन्ना चिर बंदे दी अंदरली धारणा जिहड़ी है ना, भावना नीयत, वह शुद्ध नहीं, फिर उस बंदे दा जप तप भी कुछ नहीं सवारेगा, भावना ही गलत है। जप तप ने तो सिर्फ शक्ति देनी है, ताकत देनी है, वो तो एनर्जी बननी है कि बंदा बड़ी तेजी नाल तुरेगा। पर जिस बंदे ने जप तप किया है उहदी भावना शुद्ध नहीं, तो वह जप तप उहनूं गलत रस्तियां ते भी लैके जा सकता है, विनाश भी कर सकता है। मैं उदाहरण दे दिया कि भुलेखा ना पाए, रावण वर्गा जपी तपी कौन सी, बड़ा बड़ा जपी तपी, बड़ा अभ्यासी सी, चार वेद उन्हों कंठ सन, याद सन, जुबानी पढ़ सकता सी, तां जरूर ये अभ्यासी होवेगा, चार वेद याद करने सौखी गल। पर होया कि अंदरली जिहड़ी धारणा सी ना, भावना ते नीयत जिन्हों कह लईए, वह शुद्ध ना होण करके वेद उहदा कुछ ना सवार सके। इस तरह हुंदा भी कुछ नहीं, फिर असी कहने भी ये इन्ने किते हुए कम रंग ते लियांदे नहीं पए, असी भी कर रहे हैं बहुत सारे। जिन्ना चिर बंदे दी अंदरों धारणा नहीं शुद्ध हुंदी, उहदी नीयत नहीं ठीक हुंदी, वह रस्ते ते तुरना नहीं चाहुंदा, ते वह मनुख अपनी गड्डी विच पेट्रोल पंप ते खड़ी करके कवे जी भर दिओ तेल, वह कहिंदे भी भरिया पिया होर की करिए, स्टार्ट कर इहनूं लै जा, वह कहिंदा जी स्टार्ट नहीं करनी, भरी जाओ तेल पा दे उहदे विच डुली जाए। तां जिहड़ा इह हिस्सा है ना धर्म दा, जप तप करना, इह ते तेल वर्गा है, उहनूं चलाउणा भी तां है ना किसे पासे, वह वाजब राह ते तुरे ते तां ही है, जे तुरदा ही नहीं ते खड़ा रहा कोई अर्थ नहीं बणदे। इस करके गुरु साहिब ने कई थावां ते बचन कहे ने कि जप तप संजम उहनां जुगां का धर्म है, कल केवल नाम आधार। उन्हां जुगां दे अंदर
बंदे दी शरीरक ते मानसिक कपैसिटी बहुत ज्यादा सी। उहदे विच कोई जिन्ना मर्जी जप तप कर लैंदा सी उहदे काम आउंदा सी, पर हुण कलयुग दे विच नहीं। चार दिन जप के वेखो, पंजवें दिन अगले श्राप देण लग पैंदे ने, इह हो जाएगा तैनूं जे ना कीता तां, कौण इहनूं पचाएगा। तां गुरु साहिब ने दो चीज़ां कट्ठियां रखियां, कहिंदे इह जपना भी जरूर है पर तेरी नीयत भी शुद्ध होनी चाहिए। भाणे का मतलब है कि बंदे दे अंदर दी जिहड़ी बिरती है वह अकाल पुरख के हुक्म दे नाल एक सुर होनी शुरू हो जाए। वह सवेर तो लैके शाम तक बस यही अरदास करता रहे कि जो कुछ तू मैनू जिंदगी विच दे दिता है, मैं तो ये लायक भी नहीं सी, मेरी इन्नी योग्यता नहीं सी, उहदे तो वध दे दिता है। छोटे तो छोटी चीज जिहड़ी है वह भी उहदा अरदास का हिस्सा बन जाएगी। वह अपने शरीर का कपड़ा फड़ के भी ये कहेगा। जे गुरबाणी दीआं धारनावां नूं पढ़ो ना तुसीं अंदरों, तां सुखमणी साहिब विचों की मिलेगा। वह कहिंदे भी सवेर तो लैके शाम तक बंदगी करन दा इक तरीका है। जे प्रशादा छकना है यह भी बंदगी बन सकती, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए यह भी भगती है। हुण वेखो जे पानी दा गिलास पीता है ते वह भी एक जुगत बन सकती, जे प्रसाद पीवें शीतल जला। पर असी पानी पीन लग्या किथे याद कीता उहनूं, किथे याद आई। तो इन चीज़ों की वरतों असी नहीं करते। साडा जिहड़ा धर्म है एक संगलां जिहा विच बज गया भी उहनूं अद्धा घंटा जां इन्ना चिर करना है, परत के उन्हों कढ देना जिंदगी विच पासे कर दे। है इस तरह का नहीं सी। गुरु साहब ने कहा वो पानी का गिलास भी उहदी दात है, जे प्रसाद पीवें शीतल जला। फिर कहिंदे जिहड़े तू सवास लैंदा है यह भी उहदी दात है। सुखदाई पवन, आ जिहड़ी पवन तैनू मिल रही है यह भी उहदी दात बड़ी कीमती है। पावक अमुला ते जिहड़ी उहने इत्थे अग पैदा कीती उह भी बड़ी वड्डी दात है। हुण इन्हां चीज़ां वल जिस बंदे दी खोपरी केवल पदार्थ विच बजी हुई है वह कहिंदा जी ये किहड़ियां चीज़ां ने मिलियां, ये तां पहले मिलियां होईयां सन, इन्हां दा की करना। छोटी तो छोटी चीज़ दा भी नां लिया गुरु साहिब ने। वह कहिंदे दीने हस्त हथ दिते ने तैनूं, उहने कदी चेते नहीं आए, पर उदों चेते हुंदे जदों इक अद्धी उंगल विचों खलो जाए, फिर पता लगता किन्ना कीमत। उन्ना चिर नहीं मनुख समझदा, उन्ना चिर ते रोंदा ही रहेगा जी नहीं मिलिया, कुछ नहीं होया, नाल दे अगे लंघ है की करिए, होर इकट्ठा करो, मैं कीता ते बड़ा सी पर उन्ना मिलिया नहीं। ये बिरती है। इस करके एक कसवटी है, वह कहिंदे ने तृष्णालू बंदा इस धरती ते कदी सुखी नहीं हो सकता, ते संतोखी बंदे नूं कदी कोई इस धरती ते दुखी नहीं कर सकता। संतोख जेड़ा है वह ही सिर्फ सुख का एक दरवाजा है, और कुछ नहीं। आ जिहड़े दो श्लोक बाबा फरीद जी ने कहे ने, ये सारियां जिंदगी दियां जुगतियां ही हन। इन्हां नूं अपने मानसिक मंडल दे विच हंडाउण वास्ते कहा गुरु साहिब ने। वह कहिंदे ने रोटी रुखी मिल गई बिल्कुल, ते दूजे पासे पीण वास्ते होर कुछ नहीं। और बचन कीता कहिंदे रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो, जुगती है भी। मेरे ख्याल विच सिख जगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं जुगतियां ते जां ते इन्ने सुनिया नहीं, जां इन्नू भरोसा नहीं आया, जां इन्ने सिर्फ कहा है, पढ़न वालिआं ने पढ़ दित्तियां, सुनन वालिआं ने सुना दित्तियां, कथा करन वालिआं ने कथा कर दित्ती, गाउण वालिआं ने गा दित्तियां, गल खत्म हो गई, कहानियां बन गईआं सारियां। उन्हां नूं ते जिंदगी बनना चाहीदा सी। आ इको ही श्लोक है कि रुखी दा मतलब है जो कुछ तेरे कोल है। इत्थे रुखी दे अर्थ ये ने भी
अगे एक श्लोक आउंदा है कि मैनू गुरमुख प्यारे मिले कहिंदे मैं नहीं हुण चौपड़दा जी घिओ नहीं लाउंदा क्यों कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिआ है ना जिन्ना खाधी चौपड़ी घणे सहणगे दुख ते मैं क्या बई गुरु ग्रंथ साहिब विच इह वी तां लिखिआ है वी रस अमृत खीर घियाली उह किहदे वास्ते है कहिंदे तुसीं चौपड़ दिओ मैं क्या तेरे सामने देख गुरु ग्रंथ साहिब विच ते इह वी लिखिआ है कि पाओ घिओ संग लूणा बंदा एक साइड नूं फड़ लैंदा है फिर इहदे की अर्थ ने मैं तां इह घिओ लाउणा बंद कर दित्ता सी कि चौपड़ी दे अर्थ की ने जिन्ना खाधी चौपड़ी घणे सहणगे दुख इह की गल कर रहे ने बाबा फरीद जी तां जिहड़ी मेरी समझ विच आया सी तुहाडी समझ विच होर आवे तां होर दस देना पर इह तां इह गल सी कि जो कुछ तेरे कोल इमानदारी दे नाल आउंदा है वह चौपड़ी नहीं है इत्थे चौपड़ी दे अर्थ ने जदों तू किसे दे घरों कढ़ के लियाउंदा है किसे दा खून लिया के अपनी रोटी चौपड़ना है उहनू कहिंदे ने चौपड़ी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी जदों एमनाबाद विच सन सैदपुर जिहनू कहा तां इत्थे भाई लालो दे घर रहे कई दिन रहे तां उत्थों दा एक बड़ा वड्डा उत्थों दा अमीर आदमी सी उहने भंडारा कीता साधुआं नूं सद्या बड़े इकट्ठे हो गए साधु संत इलाके दे सारे बुलाए गए बड़ा वड्डा भंडारा सी सारे पहुँच गए भाई लालो नूं ते उहने बुलाउणा की सी उहदा नाम सी मलक भागो उन्हें सारे बुला लए खीर बन गई पूड़ियां बन गई बादाम पै गए काजू पै गए सब कुछ हो गया तो जेडे संत जी सन वह भी लाइन विच बैठ गए सारे उन्होंने भी छकिया तो पता लगा कि मलक भागो नू के एक नानक तपा है पहला गुरु साहब नू बहुते नानक तपा कहिंदे सन नानक तपा हुण ते साडे बंदे तप तो डरनी बहुत लग पए कहन लगे तप जिहड़ा सिक्खी दा हिस्सा नहीं हुंदा पुराना नाम पढ़ो गुरु नानक साहिब जी दा तप दा मतलब धूणियां लाउणियां नहीं हुंदियां तप दा सिक्खी दा मतलब है कि जो कुछ गुरु ने कहा उहनूं सख्ती नाल जिंदगी ते लागू कर देना शरीर नहीं मन्नेगा मन नहीं मन्नेगा लागू कर देना जो हुंदा हो ही जाए सुन उहनूं कहिंदे सिक्खी दा तप तां उत्थे उहनूं पता लगा किसे कहा वी जिहड़े नानक तपा इक ते भाई लालो दे घर रहिंदे ने ते आए नहीं सिपाही गए कहिंदे फड़ के लै आवो भाई लालो ने कहा महाराज जाना चाहिदा मूर्ख आदमी है चले गए सतगुरु ने कहा लालो अपनी कुदरे दी रोटी लै के आ सुखी होई लै के चले गए अगे बहुत धूम धाम सी बड़े फुल बिखरे हुए बड़ी सुगंधी आ रही सी बड़े बड़े महात्मा जी बैठे हुए सन तां सारियां नूं वेख के मलक भागो सामने बैठा हजूर गए कहन लगे सारे संत आए ने सारे महात्मा आए तुसीं नहीं आए सतगुरु ने कहा है तेरे महात्मा ने रब दे नहीं ये तेरे ने कहिंदे मेरे किवें कहिंदे जो तू कहना है वही इन्होंने कहना है तेरे महात्मा ने रब दे थोड़ी ने यह ना वो तो कहना नहीं जिहड़ा गुरु ने कहा होया इस करके मैं नहीं समझदा गुरु कृपा करे भी इन्हां दे विच दो चार दस होण ते उन्हां नूं मेरी नमस्कार है वह धनता दे योग ने जिन्हां दे विच नाम वसिया है पर मैनूं लगदा नहीं क्योंकि जेड़ा रब दा संत है वह तेरे तो पुछ के नहीं जीवेगा उहदे गुरु ने जिवें कहा उवें चलेगा उहनूं तू खरीद नहीं सकदा उन्हों तू प्रभाव भी नहीं सकता क्योंकि वो आप अटाहे जाप साहब के अंदर अटाए का मतलब वो किसी के ढह नहीं चढ़ता रब जिहड़ा है ते जिहदे ते रब की कृपा हो भी नहीं ढह चढ़ता किसी दे जो ये गल चली उन्होंने कहा जी मैं इन्ना कुछ बनाया दे घर की खाते हो तुसीं
लियाओ पूरियां लियाओ खीर ले आंदियां गईयां। हजूर ने कहा लियाओ छक लैने कोई गल नहीं। जदों लियांदियां ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा कहन लगे इन्हां विच जिहड़ा तेल दी थां ते खून क्यों पा दिता तू, इन्हां पूरियां दे विच तेल दी थां ते खून वरतदा तू। उन्हें कहा देखो मैं पहले ही सुनिया सी भी तुसीं गल्लां बहुत उल्टियां करदे हो। कहन लगे हाँ जिस बंदे दी खोपरी पुठी होवे उहनूं सिधियां गल्लां भी पुठियां लगदियां ने, तू अपनी खोपरी नूं सिधी कर। खून नहीं ये तेल है, कहिंदे तेल कादा लियांदा ई, इन्हां पूरियां नूं अपने कन्नां नूं ला के वेख इहदे विचों रोण दी आवाज आ रही है। कौन रो रहा है? कहन लगे उहनां दे बच्चियां दे रोण दी आवाज आ रही जिन्हां तों तू दो दो महीने दिहाड़ियां करवाईयां ते बाद विच उहनां नूं दिहाड़ी नहीं दित्ती। उन्हां दे बच्चियां दा खून है इहदे विच, जिन्हां लोकां दे उत्ते तू टैक्स ला ला के नजायज तरीके दे नाल अपने घर नूं वड्डा कीता है, उन्हां सारियां लोकां दियां चीखां जिहड़ियां ने तेरे घर विचों तेरे खाने पीने विचों आ रहियां ने। हुण मैनूं दस, मेरी आदत नहीं मैं बच्चियां दा खून पीवां, ये सब कुछ तू नजायज किया जायज नहीं। फिर उत्थे हजूर ने कहिंदे भाई लालो की रोटी नू फड़िया और उन्हूं दबिया, उहदे विचों दुध निकलिया ते मलक भागो दियां पूरियां विचों खून निकलदा दिखाया गया। कहण तों भाव की है, जिहड़ी चीज़ मनुख दायरे तो बाहर जा के वरतदा उन्हूं कहिंदे ने चोपड़ी, वो जिहड़ी चीज़ जिहड़ी अपने दायरे तो बाहर है उन्हूं चोपड़ी कहिंदे। इहदा अर्थ ये नहीं भी सिख घिओ नहीं खा सकता, खा सकता है पर उहदी अपनी हक हलाल की कमाई होवे, झूठ बोल के ना कठा करे, किसी की जेब ना कट्टे, किसी नूं धोखा ना देवे। उहनूं मनुख वरत सकता है, उहनूं जिंदगी दे विच लिया सकता है। इस करके बाबा फरीद जी ने कहा कि जिन्हां ने चोपड़ी दे अर्थ किते कि जिन्हां ने लोकां दे खून नाल अपना कुछ बनाया है उहनां दी चोपड़ी हुई रोटी घिओ वाली नहीं, वह लोगों के खून नाल चोपड़ी हुई। पर जे कोई योग तरीके नाल संसार विच मेहनत करदा है उन्हां दा खाना पीना उन्हां दा पहनना उन्हां दा रहन सहन मकान और अशवारियां भी पवित्र ने, गुरु रामदास जी कहिंदे ने। गल बंदे दे अंदरले जीवन नाल संबंधित है। इस करके जिहड़ी बेनती सांझी कर रहा सी कि जिहड़ी जिंदगी दे अंदर उहदे नाल सहमत हो के तुरना, एक ना भाणे कढ ले जो कुछ उहने दित्ता है उहदे नाल उहनूं उलामा ना देना, उहनूं प्यार नाल वरत लेना, ना उहनूं त्यागना ते ना किसे दा खोणा, उह बंदा भाणे दे नेड़े आउंदा जांदा है। भाणे दी उहनूं समझ आउणी शुरू हो जांदी, हुक्म दी उहनूं समझ पैनी शुरू हो जाती, तो फिर हुक्म दे राही उन्हां अकाल पुरख वाहिगुरू इस जगत जलंदे विचों कढ लैंदा है। एक ना भाणा कढ लए एक ना माया विच निवास। पर जिहड़े लोग भाणे नूं दे उल्ट चलदे ने उन्हां दा निवास फिर माया विच रहिंदा है, उहनूं छड्डदे नहीं, उहदे नाल चिपक जांदे ने। माया दे अर्थ ही ऐसे ने, वह चीज़ जिन्हों बंदा फड़ना तो जानता छड़ना नहीं। माया दे अर्थ की हो सकते, माया है कि एक कसवटी है कि जिहड़ी चीज़ नूं तुसी वार वार फड़ो तो छड़ना ना चाहो, उहदे अर्थ ने माया। यही दशा भावें भगती मार्ग विच भी वापरदी पर उची चीज़ है, जिहड़े नाम नूं फड़ गए उन्होंने नाम नहीं छड़िया। पर संसार दे विच शरीर नाल संबंधित जिहड़ियां चीज़ां ने जिथे फड़ लेना ते छड़ना ना, उहनूं कहिंदे माया वापर गई। जिन्हों बंदा पकड़दा है ते छड़ना जाणदा है वह माया नहीं, भावें कुछ भी होवे वह माया है ही नहीं। इस करके कहिंदे एक ना माया विच निवास, एव भे आख ना जापई जे किसे आणै रास।
रास दे अर्थ ने रास आ जाना, जिवें आपां कोई चीज लई सी तां रास आ गई, यानी कि ठीक चलन लग पए, उहनूं कह दिता भी इह चीज रास आ गई, कोई मशीन लई, कोई होर चीज असां खरीदी, रास आ गई, ठीक कम कर दी। जिंदगी बहुतियां दी रास नहीं आई, कुछ विरले ने जिन्हां दी जिंदगी रास आ गई, यानी कि ठीक चल रही है। ठीक यह है भी माया दे विच रहिंदे होए, माया विचों निकलण दी जिन्हां नूं जाच है, उहदे नाल फड़े होए नहीं, उहदे नाल बज्जे होए नहीं, उहनां नूं इह संसार रास आ गया। जिन्हां ने फड़ना ते जाणिया पर छड़ना नहीं जाणिया, उहनां दी जिंदगी रास नहीं रही, बेरास हो गई, बेरास तरतीब तो बाहर चली गई, फड़ना जाने या छड़ना नहीं जाने। तो जिन्हां ने इत्थे संसार दे विच पदार्थां दे विच रह के, जिन्हों गुरु साहब ने कहा है कि राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, दोवें चीज़ां कठियां हो गई, राज ते जोग कठे हो गए, पदार्थ ते परमात्मा कठे हो गए, तन ते आत्मा की सोझी हो गई, शरीर की वरतों किवें करनी है यह भी समझ आ गई, और शरीर तो उच्चे उठ के शब्द विच लीन किवें होना है, यह सारिया तरीकों का पता लग गया। उन्होंने कहिंदे भी इस बंदे नूं इत्थे रहण दी जुगत तरीका, जिंदगी इहदी रास आ गई है। जे नहीं समझ आई, भटकदा रहा, फिर उहदी जिंदगी बेरास है। पर ये सारे का सारा कुछ किमें समझ में आ सकता है, किमें ये जुगत मिल सकती? हजूर कहिंदे नानक गुरमुख जानी है, ये सारिया चीज़ां गुरु कोलों ही सिर्फ जानिया जा सकदियां। ये साड़ी अपनी इच्छा शक्ति भी गुरु कोलों की जानना चाहते हैं। वैसे गुरु कुछ जानन वास्ते सी, इहदे अर्थ तां इह बणदे ना, कदी कोई जग्यासा कोई आई मन विच भी गुरु ग्रंथ साहिब कोलों कुछ जानिए, कुछ ज्ञान लईए, कुछ समझ लईए, ये तो नहीं आई। जानन वास्ते आदमी तैयार नहीं, मंगण वास्ते तैयार है, ते मंगदा भी वह है जिहदा धर्म नाल कोई संबंध नहीं, मंगदा भी वह है। चलो ठीक मंगे, गलत नहीं, मंगना शरीर वास्ते पदार्थां दी लोड़, मंग लेना चाहिए, पर मंगना की है कि गुरु साहब ने अरदास दे पिछे फिकरा लाया सी कि तू सरबत दा भला मंगना, पर जो सरबत दा भला मंगया तो विच विच विरोधी आ गए, तो मन विचो कहिंदा भी बाकी सारिया का भला कर दी, इहदा ना करी कल्ले दा, इहनू रहण दे विच, इहनू छड के बाकी सारिया का कर दे। जिहड़ी गल मैं आरंभ विच कीती सी कि बाबा फरीद जी ने कहा गुस्सा करना होर चीज़ है, दो चार दस मिनट वास्ते, ते गुस्से नूं अपनियां रगां दे विच रखना हंडाउणा होर चीज़ है, वह बड़ा खतरनाक, दिन रात हंडाउंदे रहना उसनूं, दिन रात उहनूं अंदर शरीर विच जज्ब करदे रहना, वासना वह माड़ी है जिहड़ी दिन रात बंदे दे मन विच हंडदी रहे, चलदी रहे शरीर दे अंदर, वह माड़ी है। तां सतगुरु ने बचन कीते ने अरदास बंदा मंगदा है ते मंगदा भी ठीक नहीं, उहदा तरीका ही मंगण दा तरीका गलत है, वह मंगदा है, इस करके कहिंदे सन कि दोवें इकट्ठे आ गए अरदास करन वास्ते रब कोल, ते एक ने कहा भई इहदा कम जिहड़ा है मेरा कार्ज इहदे तों अगे लंघना चाहीदा, इहदे पिछे रह जाणा चाहीदा, इत्थे गल खड़ी है। धार्मिक जगत की भी गल इत्थे है, होर कोई कसवटी नहीं, इत्थे सुखी होण दी कसवटी की, बंदा अपने सुख नूं दूजे दे दुख विच्चों वेंदा है, जे तां कोई दुखी है ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ
ठीक नहीं किया तो फिर उसका धर्म नहीं कोई सवारेगा कि वो अपनी जिंदगी दे विच इन्हां चीज़ां नूं रफा दफा नहीं कर सकिया, कढ नहीं सकिया। तो सतगुरु ने बचन किए, गुरु है जानन वास्ते जिंदगी नूं, नानक गुरमुख जाणीए जां को आप करे प्रगास, जिन्हां ते आप कृपा कर लैंदा है वह जान लैंदे ने। गुरु दर तो यह दात मंगीए सारिआं ने कृपा करनी, एक आवाज विच बोलन दा यतन करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।